चांदागढ़ की रानी हिराई। ऐसा देखा जाए तो चांदा घराने में भी दो रानियां हो गई। पहली हो गई बल्लारशाह में रानी हिदमोतिन, और उसने भी 15 साल राज किया, और बाद में हो गई चांदागढ़ की रानी हिराई। ये हिराई रानी भी बहुत बहादुर थी, सुशील, बुद्धिमान, युद्ध कला में और चतुर, साहसी और सुंदर ऐसी महिला थी। रानी हिराई जब चांदागढ़ में आ गई, तब चांदा जो राज है वो बहुत विशाल और बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि उसकी जो नींव है आत्राम वंश की, वो 842 में उसकी नींव डाली गई है राजा भीम बल्लार। राजा भीम बल्लार ने इसकी नींव डाली है, और बाद में इसी सन 995 में आदिया बल्लार सिंह की तीसरी पीढ़ी ने सिरपुर से राजधानी वर्धा किनारे यानी बल्लारशाह में लाई है। उसमें जो राजधानी बल्लारशाह वो जो है वो 1242 में वहाँ खानका बल्लार राजा हुआ, खानका बल्लारशाह राजा हुआ, और उसके नाम से ही बल्लारशाह जो गांव है, जो शहर है, उसके नाम से वो बसाया गया है। वो उसको कोट जैसी बीमारी थी और बहुत वो बीमार रहता था, और उसके लिए बहुत सारी दवाई देने के बाद, गुनिया मंत्र तप सब करने के बाद भी राजा को बीमारी अच्छी नहीं होती थी। राजा खानका बल्लारशाह ने सन 1282 में किला महल की नींव डाली। यह किला 8 पीढ़ी तक 400 साल में बनकर 1695 में पूरा हो गया। चांदागढ़ का राज्य विस्तार खानका बल्लारशाह के काल में हो गया। गढ़चांदूर, मानिकगढ़, माहौरगढ़, केलापुर, वैरागढ़, तलवारगढ़, टीपागढ़, भामरागढ़, खोबरागढ़, सुरजागढ़, जुनगांव, जोड़ाघाट, उपनूर, जैनूर, ऐसा उसका दक्षिण गोंडवाना साम्राज्य को शाश्वत उसने बना दिया था। ऐसा उसका बहुत बड़ा राज था। राजा बीर शाह जो था वो किशन शाह का लड़का था, और आज गद्दी पर बैठा था। उसका विवाह, उसकी शादी मदनपुर होशंगाबाद के ढिल्लन सिंह मड़ाव की पुत्री रानी हिराई से हुआ था। राजकुमार बीर शाह 20 साल का था, और उसको एक ही लड़की हो गई थी रानी हिराई को। बाद में किशन शाह का मृत्यु हो गया और बीर शाह गद्दी पर बैठ गया। चांदा का राज ऐसा बहुत संपन्न था। चांदा में फांदा ऐसी पुरानी महन यानी युक्ति है कि चांदा का जो किला है उसमें तलघर और सुरंगे बहुत सारे हैं, भूल भुलैया। तो प्राचीन काल में डरते थे चांदा का नाम लेते ही, बोलते कि चांदा में फांदा, अगर चांदा में कोई गया तो वो वापस नहीं आने का, क्योंकि वो विशाल जो किला है उस काल में आशिया खंड में उतना, उस काल में आशिया खंड में चांदा के किले जैसा विशाल किला नहीं था, और बहुत शक्तिशाली, समृद्ध, वैभवशाली था, और चारों तरफ किला के चारों तरफ पानी से भरे हुए खंडक थे। कोई भी आए और वहाँ मगरमच्छ रहते थे। कोई भी शत्रु आए तो वहाँ मगरमच्छ पकड़ लेते थे और पानी में डूब जाते थे, और नीचे में जो सुरंगे थे वो सुरंग से कहीं भी राजा और उनकी रानियाँ जब संकट या कोई युद्ध हो गया तो वो सुरंग से बाहर निकल जाते थे। तो इसलिए उसको चांदा में फांदा ऐसा कहा जाता था। जब राजा बीरशाह, उसकी एक ही लड़की थी, राजा बीरशाह बीमार रहता था, और लड़की की शादी, उसका नाम था मानकुंवर, उसकी शादी हो गई थी देवगढ़ के द्रुक शाह खंडाता से,
और जो बीरशाह का एक भाई था नेकनाम, वो दूसरी माँ का था और उसने इस्लाम धर्म स्वीकार लिया था। और वो राजा बख्त बुलंद शाह के दरबार में एक फौजदार था। जब बीरशाह बीमार रहता था और एक ही लड़की थी मान कुंवर, तो उसका जो दामाद था वो हमेशा बोलता था कि तुम्हारा जो पिताजी का राज है मुझे दे दो। तो ये सुनकर उनको बहुत दुख होता था। तब रानी हिराई ने सोचा कि क्यों ना दूसरी शादी मेरे राजा को कर दूँ। तो रानी ने खुद अपने राजा के लिए सौवत, यानी खुद के लिए सौवत एक देखी उसने, और रानी को राजा को तैयार किया शादी के लिए कि मेरे तरफ से लड़का नहीं हुआ, लड़की हो गई, लेकिन दूसरी रानी आ गई तो लड़का हो जाएगा। फिर राजा को की जिस दिन शादी थी, राजा दुल्हा बनकर घोड़े पर बैठा और उसी वक्त उसका जो अंग संरक्षक था उसने उसका सिर उड़ा दिया, उसकी हत्या कर दी। और बहुत बड़ा हाहाकार मच गया। रानी हिराई घबरा गई, पूरा राज में भीति निर्माण हो गई। और ये कारस्थान था उसका जो दामाद था, उसका कारस्थान था। लेकिन रानी घबराई नहीं, उसने अपने चंदन खेड़ा वाला जो देवर था गोविंद शाह, उसका लड़का राम शाह, वो 5 साल का था, उसको गोद में लिया, दत्तक बनाया और राज सिंहासन पर बिठाल कर पूरा चांदागढ़ की सत्ता अपने हाथ ली। और बड़ी बहादुर और साहस से उसने राज्य कारबार चलाया। फिर उसका दामाद बार बार बोलता था कि मुझे मुझे पूरा राज्य दे दो, नहीं तो तेरे माँ माँ को और तुझे मैं मुसलमान के हरम में डाल दूंगा। ये जब मानकुंवर ने अपने माँ यानी हिराई को बताया कि माँ ये बार बार बोलता कि तेरी माँ को और तुझे मुसलमान के हरम में डाल दूंगा, तो रानी ने सुन लिया, अरे मातृशक्ति का ये अपमान करने वाला, मैं माँ समान हूँ और मुझे बोलता कि राज्य नहीं दिया तो मुसलमान के हरम में डाल दूंगा। ठीक है, कैसा हरम में डालता मैं देख लूंगी। फिर उसने उसकी चैन सी और उसका जो दामाद था नेकनाम, नेकनाम और द्रुप शाह उसका दामाद, उन्होंने दोनों ने मिलकर चांदागढ़ पर हमला बोल दिया। तब रानी ने एक प्रण किया, कली कंकाली जो थाना है जिसको लोग महाकाली बोलते, हमारी कली कंकाली वो आतराम घराने की कुल दैवत है, उसके पास जाकर वो बोली कि हे कली कंकाली माँ, मुझे ऐसा यश प्राप्त कर दो, मुझे ऐसा साहस और हिम्मत दे दो कि मैं नेक नाम को भी खत्म करूंगी और मेरा जो दामाद है द्रुप शाह वो मुझे हरम में डालने की बात करता हूँ, मुझे ऐसी वीरश्री प्राप्त कर दे का उसका सर काट के तेरे चरणों में मैं अर्पण करूंगी और तेरा अच्छा सुंदर देवालय बनाऊंगी और उसके चारों तरफ द्रुप शाह के जो सर का जो पत्थर के जो मूर्ति है वो लगाऊंगी। बड़े धूमधाम से फिर युद्ध हो गया। ये युद्ध 1 सप्ताह तक चलते रहा। खून की नदियाँ, मांस का चिखल और मुर्दे का ढग बनते गया, लेकिन बहादुर रानी इतनी हिम्मत वाली थी कि उसने अपना जो दामाद था उसका नेकनाम का भी खून मार दिया, नेकनाम को भी ख़त्म कर दिया और द्रुप शाह का सर काट दिया और भाले के तलवार भाले के टोप पर उसका सर लगाकर पूरे चांदागढ़ में
उस वक्त दिवाली मनाई गई। चारों तरफ दीवे लगाए, रंगोली डाल दिए, फूलों की माला सजाई और धूमधाम से उसका जो सर था उस तलवार के नोक पर लाकर कली कंकाली के सर के पास रख दिया। विजय प्राप्ति कर दिया और महाकाली का यानी कली कंकाली का मंदिर बनवा के उसके चारों तरफ जो द्रुक्षा था उसका दामाद उसके सर लगाए आज भी देखने के लिए मिलती। यानी इस तरह रानी जो साहसी थी, बहादुर थी, वचन के पक्की थी और उसका जो पक्का निर्धार था वो सही में दुनिया को आज भी जब देखते हैं तो जब रानी के जो उसका जो दामाद था उसके सिर चारों तरफ आज भी मंदिर में देखने के लिए मिलते हैं। वो कहती थी जब जब दुनिया देखेगी और तेरे नाम से थूकेगी कि मातृशक्ति कोई कमजोर नहीं होती। इस तरह रानी हीराई ने बहुत बड़ा उसका राजा बिरसा मरने के बाद उसकी समाधि बनवाई। वो बेजोड़ और एक स्थापत्य कला का सुंदर ऐसा नमूना है। वो देखने के लिए आगरा में जो ताजमहल है मुमताज का, वो बनाने के पहले औरंगजेब यहाँ आया था चंद्रपुर में और रानी हीराई ने जो बिरसा की समाधि बनाई वो देख लिया और उसके बाद उसने अपने रानी के लिए ताजमहल बनवाया। शाहजहान ने तो इतनी बहादुर रानी, कला संगीत उसकी भी इसकी जानकारी थी। उसने जो निर्माण कार्य बनाए, महल बनाया, किले बनवाए, तालाब बनवाए, मारकंडा का मंदिर बनाया, माहौरगढ़ का किला बनवाया अच्छे तरह से, और उसने अपने काल में गो हत्या बंदी कर ली और बड़ी साहसी ऐसी रानी हीराई ने एक नहीं वो 65 साल जी, लेकिन 65 साल में कम 13-14 युद्ध उसने किया। और रानी हीराई ने मराठों से भी युद्ध हो गया, मुसलमानों से भी युद्ध हो गया और वो सभी के साथ भिड़ गई लेकिन वो कभी हारी नहीं। कहा जाता है कि रानी हीराई जैसी महारानी अभी तक इतना सुंदर कार्य करने वाले और अपने पति के याद में अपने पति के प्यार के खातिर जो सुंदर ऐसी समाधि बनवाई, ऐसी रानी हीराई बहादुर थी, कर्तव्यगार थी, कर्तव्यनिष्ठ थी, जन उपयोगी उसने जो काम किया है वो उसका काम बहुत बहुत अच्छा है। इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षर से लिखा गया है। ऐसी बहादुर रानी हीराई है। इस प्रकार के रानी फुलकुंवर, रानी कमाल हीरो, झांसी की झलकारी और बहुत सारी रानियाँ हमारे गोंडवाना राज में हो गई, रानी पोपाल हो गई, रानी सुंदरी हो गई, रानी मैनावती हो गई, करुणावंती हो गई। इस तरह पूरा गोंडवाना में जो भी रानियाँ हो गई वो बहुत बहादुर हो गई, शूरवीर हो गई, लेकिन इतिहासकारों ने हमारे बहादुर रानियों का इतिहास, हमारा गोंडवाना का जो इतिहास है वो सही ढंग से लिखा नहीं है। लिखते वक्त बहुत गद्दारी हमारे साथ की गई है, इसीलिए अभी नई पीढ़ी को मैं इतना ही बताऊंगी कि आप लोग नया खोज करो, अपना खोया हुआ इतिहास, गड़ा हुआ इतिहास की खोज करके नया इतिहास लिखो और हमारा खोया हुआ गोंडवाना पुनः प्राप्त करने के लिए सब सगाजन